टू आपकी अपनी रसोई। आज की मेरी रेसिपी है आमचूर पाउडर की मीठी चटनी। चटनी तो आपने कई बनाई होंगी, पर आमचूर पाउडर की मीठी चटनी भी बहुत ही टेस्टी बनती है। इसको भेलपुड़ी, चाट, बतासे के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसको खाने नाश्ते के साथ खाइए, ये खाने नाश्ते का स्वाद बढ़ा देती है। चलिए देखते इसको कैसे बनाते हैं, और इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 200 ग्राम गुड़ लिया है, या आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा सा कम ज्यादा भी कर सकते हैं। चटनी बनाने के लिए ये मैंने 25 ग्राम आमचूर पाउडर लिया है। आधी चम्मच काली मिर्च लेंगे, काली मिर्च को मैंने दरदरा पीस लिया है। एक चम्मच काला नमक लेंगे, आधी चम्मच पिसी लाल मिर्चा लेंगे, एक चम्मच जीरा पाउडर लेंगे, एक चम्मच नमक लेंगे या अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा, आधा चम्मच गरम मसाला लेंगे और ये पानी लेंगे। चटनी बनाने के लिए गैस पर हमने एक बर्तन चढ़ाया और इसमें हमने 1/4 ग्लास पानी डाला है, और इसमें हम आमचूर पाउडर को डाल देंगे। इसको हम धीमी आंच पर पकाएंगे। जब ये हल्का गर्म हो जाएगा तब इसमें हम गुड़ डालेंगे, और इसमें हम गुड़ को डाल देंगे और इसको धीमी आंच पर पकने देंगे। अब इसको हम धीमी आंच पे ऐसे पकाएंगे। हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक हमारा आमचूर पाउडर फूल ना जाए और जो हमने इसमें गुड़ डाला है वो इसमें घुल जाए। चलिए हम इसमें सभी मसालों को डाल देंगे। काली मिर्च पाउडर डालेंगे, पिसी लाल मिर्चा डाल देंगे, काला नमक डाल देंगे, जीरा पाउडर डाल देंगे, गरम मसाला डाल देंगे, सादा नमक डाल देंगे। इसको हम 2 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे, या जितना गाढ़ा आपको करना है उतना गाढ़ा कर लेंगे। देखिए इसको हम 2 मिनट और पका लेंगे तो हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। देखिए हमने इसको 2 मिनट पका लिया है, अब हमारी चटनी पक्के तैयार। इसको 2 मिनट ठंडा कर लेंगे, फिर एक बाउल में निकाल लेंगे। देखिए हमारी चटनी अब पक गई है और ये ठंडी भी हो गई है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। देखिए हमारी आमचूर पाउडर की चटनी बनके तैयार हो गई है। आप लोगों ने देखा आज हमने आमचूर पाउडर की मीठी चटनी कितने आसान तरीके से बनाई। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, ये सभी को बहुत ही पसंद आती है। आप भी इसको घर पर जरूर बनाइएगा। अगर हमेशा की तरह मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन का बटन है, उसको जरूर दबाइएगा ताकि मेरे नए अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। अगली नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। ओके, बाय फ्रेंड्स।